हमारी नजर केवल बाह्य फायदे पर न हो कि मेरे को रुपयों का फायदा हो, मेरा खुद का मकान बन जाए, मेरे को भी अच्छी गाड़ी मिल जाए, मेरे को भी बढ़िया कपड़े पहनने को मिल जाएं, केवल बाहर के फायदे पर हमारी नजर न हो, हमारी नजर हो कि भीतर मेरी उदारता, समता, सहिष्णुता, निष्कामता, निर्ममता, ये मेरे अंदर धन बड़ा है कि नहीं बड़ा। गोप बालक और गोपियां कितने निष्काम और निर्मम थे, ममता रहित और कितने कामना रहित थे। तो हम भी गुरु जी के चरणों में, मैंने कल शाम को एक निवेदन किया था, सब नहीं थे इसलिए फिर कहूं, हो सकता है आप और हम जब भगवान राम अयोध्या में आए थे तब हो सकता है हम भी अयोध्या की गलियों से गुजरे हों। मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, आपको लगे कि नहीं थोड़ा ज्यादा कुछ कह रहे, नहीं नहीं अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि इतना तो आप मानते हैं ये हमारा पहला जन्म नहीं है। बोलो बच्चों, ये हमारा पहला जन्म है, तो बच्चे भी जानते हैं आपका और हमारा ये पहला जन्म नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है गीता के आधार पर। मैं बिल्कुल भगवत गीता के शास्त्र को आगे रखकर चलो, हम उनके पीछे चले, गुरु और शास्त्र के पीछे चले। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बहूनी मे व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन तान्यहम वेत्थ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं मैं जानता हूं, तान्यहम वेत्थ सर्वाणि मैं सब जानता हूं, न त्वं वेत्थ परम तप तुम नहीं जानते। तो हमारे कई जन्म हुए हैं। आप सोचो इस कलयुग में जहां चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार इतना कुछ हो रहा है, ऐसे में हम जन्माष्टमी जैसे पर्व पर आश्रम में आकर बैठ पाए, घंटों भर खाए पिए बिना बैठे रहें, ये केवल हमारी इस जन्म की ही तपस्या नहीं है। जरूर जब राम जी आए थे तब हम भी अयोध्या से गुजरे थे, जरूर जब कृष्ण भगवान आए थे तब हम भी वृंदावन में घूमे थे, जरूर बापू जब भी आए तब हम भी आए थे, इसलिए अब भी आए हैं, इसलिए गुरुदेव का सानिध्य अच्छा लगता है। ये ऐसे ही नहीं होता है, फल ऐसे ही आसमान से नहीं टपकते, आम, केला, सेव फल, चीकू, ये आसमान से नहीं टपकते हैं। ये वृक्ष होते हैं, जड़ें जमीन में से रस खींचती है और धीरे धीरे फल तैयार होते हैं। तो अभी ये जो हम इतनी शांति से बैठ पाते हैं ना, ये फल ऐसे ही नहीं टपका है आसमान से, जरूर जड़ें गहरी हैं कहीं, जरूर हमने पिछले जन्मों में भी कोई व्रत, जप, तप, उपवास किए हैं, तभी इस कलयुग में हम बैठ पाते हैं। ठीक, कई जन्मों के फिर कोई ऐसे संस्कार भी होते हैं जिस कारण कभी आदमी से कोई भूल हो जाए, कोई दोष हो जाए, या कोई दोष मिटे नहीं, बना रहे, तो उसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। गीता का आश्वासन है, आप बोलना साथ में, सर्वधर्मान परित्यज्य सर्व
परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना बड़ा आश्वासन है बताओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप हुए हैं भगवान कहते हैं उन सब से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। इसलिए कभी किसी से कोई गलती हुई हो ना तो गीता का ये श्लोक, ये तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, फिर भी अगर किसी को क्रम ढूंढना हो तो 18वां अध्याय और 66वां श्लोक है ये भगवद गीता में। समझो आपको लगता है कि मेरे से ये गलती हुई है, हे भगवान तू मुझे माफ कर, हे गुरुदेव मुझे माफ करो, तो ये श्लोक दिन में कई बार बोले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और गीता में ये बात और भी जगह पर आई है, केवल इस श्लोक में ही नहीं है। चौथे अध्याय का 36वां श्लोक अगर आप पढ़े तो उसमें भी ये बात लिखी हुई अलग ढंग से। बोलना साथ में, चौथा अध्याय 36वां श्लोक भगवद गीता। अपि चेदसि पापेभ्य अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम् सर्वेभ्य पापकृतम् सर्वज्ञान प्लवेनैव सर्वज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि व्रजिनं संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम्। कोई आदमी पापी हो और उन पापियों में अगर कोई सबसे बड़ा पापी हो, सर्वेभ्य बहुवचन, सब पापियों में बड़ा पापी हो, फिर भी सर्व ज्ञान प्लवे नैव, अगर ज्ञान और भक्ति की नाव में बैठ जाए तो व्रजिनम, व्रजिनम का अर्थ होगा जल्दी, व्रजिनम समतरिष्यसि, वो जल्दी तर जाएगा। बोलो अब और कितने आश्वासन श्री कृष्ण दें। फिर श्री कृष्ण को संतोष नहीं हुआ, दोबारा कहा 9वें अध्याय में, मैं भूलता नहीं हूं तो 9वें अध्याय का 29वां के 30वां श्लोक। अपि चेत् सुदुराचारो, जिनके पास भगवत गीता है देखो 9वें अध्याय में है, भगवान कहते हैं कोई आदमी अति दुराचारी हो, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो हि स। ये श्लोक है 9वें अध्याय का 30वां श्लोक 9वां अध्याय। अपि चेत् सुदुराचारो, कितनी बढ़िया बात। उधर चौथे अध्याय में कही अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम् सर्वज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि, फिर 9वें अध्याय में कहा अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। कितना प्यारा शब्द बोलते हैं, साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो हि स। इसीलिए कभी भी अपने को अपनी नजरों में गिराना नहीं। इन आश्वासनों को पढ़कर हनुमान जी क्या कहते हैं तुलसीकृत रामायण में, रावण को कहते, रावण जैसे आदमी को
प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। तेरे अपराधों की वो तुझे माफी नहीं देंगे, वो तो भूल जाएंगे कि तूने कुछ किया था। कितना आश्वासन। खाली आदमी अभिमान छोड़ दे। मोहमूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो जो लग जाते हैं उनके लिए भगवान और आश्वासन देते हैं। देखना गीता का 9वां अध्याय और 22वां श्लोक, ये श्लोक भी बड़ा प्रसिद्ध है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, ये 9वें अध्याय का आश्वासन। ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, ये आश्वासन। भक्त भक्ति में लग जाए तो उसके योगक्षेम का वहन भगवान कहते हैं मैं करता हूं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे साधना विषयक योगक्षेम हो चाहे घर गृहस्थी चलाने विषयक योगक्षेम हो। 9वां अध्याय 22वां श्लोक। चाहे वो भक्ति भक्त भक्ति करता है और उसको घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ चाहिए, भगवान कहते हैं वो भी मैं दिला देता हूं। दोनों योगक्षेम दिला देते हैं, साधना विषयक भी और घर गृहस्थी विषयक भी। फिर भी अगर कोई चिंता करे और उसको हाई बीपी और लो बीपी की तकलीफ हो जाए तब इसमें बताओ कौन कसूरवार है। अपनी तो कितनी भी शरीर की उम्र हो जाए 50 55 60 फिर भी कोई बीपी चेक करे तो आए कि वाह वाह बढ़िया रिपोर्ट है, बहुत सुंदर था। ऐसा नहीं कि डॉक्टर चेक करे तो हा बीपी की तकलीफ है ये गोली आप रोज खाइए, नहीं। पैरासिटामोल पेन किलर एंटीबायोटिक ये गोलियां तो कभी भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए। एंटीबायोटिक अपना दुश्मन हो ना उसको भी नहीं देनी चाहिए, इतनी मुसीबत करती एंटीबायोटिक। डॉक्टर बोले ये एंटीबायोटिक लो, पानी का गिलास देना कि तू ही खा। एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े तो दूध में हल्दी डालकर लेनी चाहिए। कभी भी कोई भी भाई बहने मेरी खास प्रार्थना है एंटीबायोटिक कभी मत लेना। एंटीबायोटिक ऐसी खतरनाक चीज है, उससे आपकी आंतें खराब हो सकती है, आंतों में सूजन आ सकती है, मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए फीके दूध गर्म दूध हो उसमें हल्दी डाल के पियो, वो एंटीबायोटिक का बाप है। और रही बात जो लोग पेन किलर खाते हैं वो थोड़ा दर्द सहन करने की हिम्मत रखें, पेन किलर न खाएं किडनी खराब हो जाती है।
फिर अच्छे अच्छे नेता और बड़े बड़े कहलाने वाले अभिनेता भी राम नाम सत हो जाता है उनका, क्योंकि किडनी खराब हो गई, पैसा होते हुए भी इलाज नहीं करा पाते, इसलिए पेन किलर, एंटीबायोटिक, पैरासिटामोल, डिस्प्रिन, इन सबको दूर रखो। और गुरुदेव के ध्यान, मंत्र, जप, सुमरण आदि से हम सभी साधक भाई बहने अपनी अपनी सात्विकता को बढ़ाएं। जिसकी सात्विकता जितनी ज्यादा वो आदमी उतना निरोग ज्यादा, जिसकी सात्विकता कम वो उतना बीमार ज्यादा। अपनी सात्विकता बढ़ाने के लिए सात्विक आहार आप जानते हैं, अपनी सात्विकता बढ़ाने के लिए जिस जिसका स्पर्श नहीं, अपने को लगे नहीं, बिस्तर अपना हो, जिस बर्तन में खाते हैं वो अपना हो, जिस जिसके झूठे बर्तनों में खा लिया, किसी के भी हाथ का खा लिया, और अगर सात्विकता नहीं बढ़ रही तो भी चिंता नहीं, उन्हीं की शरण कि हम आपकी शरण में हैं, आप ही हम पर अनुकंपा करें ताकि हमारी उन्नति हो। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। थोड़ी देर में गुरुदेव यहां पहुंचेंगे, तब तक थोड़ी देर आप रिसेस कर लें ताकि बाद में फिर बैठने में आपको दिक्कत ना हो। थोड़ी देर रिसेस कर लेते हैं, पूज्य बापू थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे, हमें गुरुदेव के दर्शन होंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक आप रिसेस कर लें, बहुत देर से बैठे हैं। जो गुरुदेव की बात माने, शास्त्र की बात माने, देव की बात माने, वो देव की, कि हमारे भीतर भी श्री कृष्ण प्रेमा अवतार हैं, हमारे अंदर भी अपने आराध्य के लिए पूर्ण प्रेम रूपी कृष्ण का प्रागट्य हो, उसके लिए प्रणमे देव जननी, प्रणमे देव जननी, प्रणमे देव जननी, प्रणमे देव जननी, त्वया जातस्तु वामनः, त्वया जातस्तु वामनः, त्वया जातस्तु वामनः, त्वया जातस्तु वामनः, वसुदेवा तथा कृष्णो, वसुदेवा तथा कृष्णो, वसुदेवा तथा कृष्णो, वसुदेवा तथा कृष्णो, नमस्तुभ्यं नमो नमः, नमस्तुभ्यं नमो नमः, नमस्तुभ्यं नमो नमः, नमस्तुभ्यं नमो नमः, सपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं मे, सपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं मे, सपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं मे, सपुत्रार्घ्यं प्रदत्तं मे, ग्रहाणेयं नमोस्तुते, ग्रहाणे ग्रहाणेयं नमोस्तुते, ग्रहाणेयं नमोस्तुते, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जहां शांति और प्रसन्नता ये दो बातें आती है वहां निर्वासना अपने आप आती है, क्योंकि शांति भीतर की और प्रसन्नता ये दो को खत्म कर देती है, खिन्नता को, फिर वो आदमी खिन्न नहीं रहेगा, और निरसता को, दो को शांति और प्रसन्नता नष्ट कर देती है। वासना रहित तो जिसका जीवन है उसके जीवन में पराधीनता नहीं। और यह ऊंचाई कब प्राप्त होती है? गुरु गीता में आया है, यस्य दर्शन मात्रेण मनस स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृतिः शांति स भवेत् परमो गुरु। गुरुदेव के दर्शन मात्र से ये दो बातें आ जाती है, शांति और प्रसन्नता। अभी आप बताओ, क्या आपके किसी के मन में अशांति है? बच्चों, अशांति है अभी? नहीं। मन लगा है गुरुदेव में कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, तो अनायास ही सुमिरन उनका हो रहा है। भूख खूब लगी हो ना तो खाना अच्छा लगता है, ऐसे ही आंखों की भूख बढ़ती है गुरु दर्शन की, तो साधक अपनी आंखों के द्वारा गुरु के रूप को, गुरु के दर्शन को पीता है, भीतर ग्रहण करता है, और गुरु के रूप को आंखों के माध्यम से अपने हृदय मंदिर में प्रस्थापित कर देता है। वो सुख अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो वहां शांति और प्रसन्नता अपने आप आएगी। शांति और प्रसन्नता आई तो निर्वासना आई, बस फिर बाकी क्या रहा? पराधीनता गई, और पराधीनता गई तो दुख गया, क्योंकि पराधीन स्वप्ने सुख नाहीं, जो दूसरों के अधीन है उसको स्वप्ने में भी सुख नहीं मिलता, तो पराधीनता गई तो दुख गया, ठीक है ना? गुरुदेव के दर्शन हुए, शांति और प्रसन्नता आई। और दर्शन एक प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अभी गुरुदेव पधारेंगे तो प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, दूसरे स्वप्न दर्शन होते हैं। रात को कंठ पर दबाव पड़े ऐसे बैठ गए और गुरुदेव के स्वरूप का ही चिंतन करते रहे कि मुझे स्वप्न में और कोई नहीं आए मेरे गुरुदेव के अलावा, ऐसे करके बैठ जाएं, निश्चित रूप से स्वप्न में बापूजी के ही दर्शन होंगे, मैं दावे से कहता हूं। पर ऐसा नहीं कि यूं करके बैठे और फिर किसी और को याद करता रहे तो वो ही आएगा। हाँ, वैद्यराज औषधि देगा, लेनी हमको पड़ेगी। औषधि लेकर पेट पे रख दे और बोले मेरे को फायदा हो जाए तो फायदा नहीं होगा, दवाई खानी पड़ेगी। तो एक प्रत्यक्ष दर्शन, एक स्वप्न दर्शन, और तीसरा ध्यान दर्शन। इतना अपने को उन्नत किया है भीतर से
कि ध्यान की गहराइयों में भी उन्हीं को पाते हैं। मनोराज नहीं, व्यर्थ चिंतन नहीं, सार्थक चिंतन। तो जहां गुरुदेव के दर्शन, चाहे प्रत्यक्ष स्वप्न दर्शन, ध्यान दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन रोज नहीं कर सकते, स्वप्न दर्शन रोज हो सकता है और ध्यान दर्शन सदा हो सकता है। तो जहां गुरुदेव का दर्शन वहां शांति और प्रसन्नता, जहां शांति और प्रसन्नता वहां निर्वासना, जहां निर्वासना वहां पराधीनता गई, खिन्नता और निरसता गई, पराधीनता गई, खिन्नता निरसता गई, तो दुख गया, क्योंकि पराधीन दुखी होता है। वस्तु के अधीन के मेरे को आइसक्रीम मिले तो मजा आए, अब मिलेगी तब तक, मिलेगी नहीं तब तक परेशान रहेगा, मिलेगी तो मजा आ जाएगा, पर खाने के बाद क्या होगा, सुखी नहीं हो जाएगा आदमी कभी भी। पराधीन स्वप्ने सुख नहीं, फिर अगले दिन होगा, फिर मिले तो अच्छा। तो गुरु का दर्शन, चाहे प्रत्यक्ष, चाहे स्वप्न, चाहे ध्यान दर्शन, तीन से शिष्य गुरु का दर्शन पा सकता है और उनसे प्रेरणा पा सकता है और ऐसी ऊंचाई वो साधक पा सकता है। इसी का नाम कल्याण है। ये आया तो कल्याण हो गया। कल्याण का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद किसी लोक में जाएंगे कल्याण हो जाएगा, नहीं, इसका नाम कल्याण। ये अगर स्थिति प्राप्त हुई कल्याण। इसलिए कुंता माता ने श्री कृष्ण को कहा, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन पुनर्जन्म का अंत कर देते हैं। बार बार जन्म किसका होता है? जिसकी वासना होती है उसी का होता है। जिसकी वासना गई उसका जन्म क्यों होगा? बाजार से कुछ खरीदने की इच्छा ही नहीं तो बाजार काहे को जाएंगे? कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको कुछ चाहिए वो बाजार जाए, बिस्किट खरीदना हो, चॉकलेट खरीदनी हो, कोई और चीज खरीदनी हो, बाजार जाए। जिसको कुछ चाहिए नहीं बाजार क्यों जाए? तो इच्छाओं वासनाओं के कारण ही जन्म मरण होता है और कई तुच्छ और क्षुद्र योनियों में जाना पड़ता है। पेट भर गया फिर भोजन की आवश्यकता नहीं रहती और चिंतन भी नहीं रहता। उसी प्रकार सत्संग के द्वारा, गुरु की भक्ति के द्वारा जीवन में से अभाव का अभाव हो गया तो अनुपम शांति। बाहर से पेट भरा फिर तो 6 घंटे के बाद दोबारा भूख लग सकती है। एक आदमी तो ऐसा पिताजी को बोलने लगा, पिताजी मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं। कैसी मुसीबत? बोले, पिताजी मेरे को एक बहुत अच्छी जगह से खाने का आमंत्रण मिला है, वहां बहुत बड़ा भंडारा है। तो बोले, जाना? बोले, पिताजी तकलीफ यह है मैं एक और जगह से खूब खा के आया हूं, जरा भी पेट में जगह नहीं है। अगर और थोड़ा सा भी खाऊंगा तो पेट फट जाएगा, इतना खाया है मैंने। बाप ने बोला, बेवकूफ, जीवन हाथ से गया तो दोबारा मिल सकता है, ऐसा भंडारे का आमंत्रण दोबारा नहीं मिलेगा बार बार। जा खा के आ, भले पेट फट जाए खा के आ। तो अब इनको कोई सद्गुरु का दर्शन नहीं मिला तो इनके जीवन में शांति और प्रसन्नता नहीं है। खाएंगे तो मजा आएगा। अब आप लोग हैं, अभी गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए पर फिर भी शांति और प्रसन्नता कितनी। और जब गुरुदेव के दर्शन प्रत्यक्ष होंगे तब कितनी होगी। इसलिए ऐसी स्थिति हम सभी साधक सदैव बनाए रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु और व्यक्ति का अभाव खटकता है राग के कारण। जब गुरुदेव के चरणों में अनुराग हो गया
तो फिर राग रहा ही नहीं, है ना। प्यास, पानी पी लिया प्यास मिट गई, खाना खा लिया भूख मिट गई। बोलते थोड़ी है खाना हमने खा लिया अब भूख का नाश हो, पानी हमने पी लिया अब प्यास का नाश हो, ये हम बोलते नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं। तो फिर से ध्यान दें, अभाव खटकता है राग के कारण। तो गुरुदेव के चरणों में अनुराग वो कल्याणकारी है। गुरुदेव के दर्शन शांति और प्रसन्नता को जन्म देते हैं। यस्य दर्शन मात्रेण यस्य